नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वो विस्तरा एयरलाइंस में किस तरीके से ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसके ऊपर था, मगर आज का वीडियो एयरलाइंस के ऊपर है नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया था कि वीडियो के बीच में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम ऐसे जॉब्स, एयरलाइन जॉब्स एंड वेरियस जॉब के लिए सीवी बनाते हैं और सबमिट करते हैं, और साथ ही बताया था कि ऐसे जॉब्स के लिए अगर आपको अच्छा सीवी, अट्रैक्टिव सीवी बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। तो इसके बारे में मैंने किया था एक पोल कि अगर आपको चाहिए कि मैं बताऊँ कि किस तरीके से आपको ऐसे अट्रैक्टिव सीवी बनाना पड़े, तो इस पर मैंने किया था पोल। तो उस पोल में 80% लोगों ने कहा कि हाँ, आप ऐसा वीडियो बनाएं और बताएं हमें कि किस तरीके से ऐसा सीवी बनाया जा सकता है। तो आज का जो वीडियो है वो सीवी बनाने के ऊपर भी है नहीं, वो मैं फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियोस में आप वो देख पाओगे। आज का जो वीडियो है वो है ये फ्रॉड डेटा एंट्री के ऊपर। फ्रॉड डेटा एंट्री जो कंपनीज है वो इंडिया में कहाँ लोकेटेड है इसके बारे में है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि फ्रॉड डेटा एंट्री कंपनीज कहाँ लोकेटेड है, इस टॉपिक के बारे में बात करके क्या फ़ायदा। तो अभी जब हम ये वीडियो में बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी वक्त ना जाने इंडिया में कितने जॉब कैंडिडेट्स, जॉब सीकर्स, ग्रेजुएट्स जॉब्स की तलाश कर रहे हैं और ऐसे जॉब एड्स, फ्रॉड डेटा एंट्री जॉब एड्स को भी देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें फंस जा रहे हैं। तो अगर ये जो कैंडिडेट्स हैं ये चीज़ देख पाए कि उस जो फ्रॉड डेटा एंट्री कंपनीज के जॉब पोस्ट वो देख रहे हैं उसका जॉब लोकेशन क्या है, तो वो एक स्टेप ले सकेंगे, वो सावधान हो जाएंगे और उसमें वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसी कारण से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे आप तक कि ये जो फ्रॉड डेटा एंट्री कंपनीज़ है, ये जो फ्रॉड पूरा जो चक्कर चल रहा है, ट्रैप जो वो बना रहे हैं, ये लोग कहाँ लोकेटेड है इंडिया में। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप नए हो चैनल में और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे टॉप 3 कंपनीज, फ्रॉड डेटा एंट्री कंपनीज के लोकेशंस, और साथ ही मैं और भी वेरियस लोकेशंस के बारे में बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले देख लेते हैं वो टॉप 3 लोकेशंस जहां ये फ्रॉड डेटा एंट्री कंपनीज लोकेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का एक सिटी है और रिसेंटली और कुछ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में जो है, मुझे कैंडिडेट्स के जो YouTube के थ्रू हो, मेल के थ्रू हो या फिर मेरे Facebook पेज के थ्रू हो, जो कमेंट्स या फिर कंप्लेंट्स मिलते हैं जो फ्रॉड डेटा एंट्री कंपनीज के, उसके जो जॉब लोकेशन होते हैं वो अहमदाबाद से होते हैं। और साथ ही कह देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि अहमदाबाद गुजरात में है, तो गुजरात से मैक्सिमम ऐसे केसेस आ रहे हैं। आगे मैं वीडियो में आगे बताऊँगा, गुजरात का और भी किस्सा है। तो तीसरा नंबर याद रखिएगा अहमदाबाद है। और अगर आपको ऐसे जॉब लोकेशन देखने को मिल रहे हैं जॉब पोस्ट में फ्रॉड डेटा एंट्री रिलेटेड, या फिर आप कंपनी से बात करते वक्त आपको पता चले कि वो जॉब कंपनी लोकेटेड है अहमदाबाद में, तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, बिल्कुल इंटरेस्ट मत दिखाइए, ना कर दीजिए वैसे फ्रॉड डेटा एंट्री जॉब्स के लिए। तो दोस्तों, टॉप 2 फ्रॉड डेटा एंट्री लोकेशन में आता है लातूर। लातूर महाराष्ट्र का एक सिटी है और मेरे YouTube चैनल में मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स आके कंप्लेंस करते हैं वो वहाँ का जो जॉब लोकेशन होता है वो लातूर निकलता है। तो लातूर जो है उसमें बहुत सारे ऐसे चेन कंपनीज है फ्रॉड डेटा एंट्री के, वो वेरियस नाम से होते हैं। और ऐसा भी है कि आप जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया वो पकड़ लीजिए 3 से 6 महीने बाद उसने नाम चेंज करके भी अपना जो ट्रैप है, अपना जो जाल है वो बड़ा करते रहा उन्होंने। तो अगर कोई भी जो है ये वीडियो देख रहा है और वो डेटा एंट्री के ऐसे जॉब पोस्ट देख रहा हो या सर्च कर रहा हो, तो याद रखिए कि जॉब लोकेशन अगर लातूर दिखाए
या फिर पकड़ लीजिए आपने कंपनी से बात किया और कंपनी का लोकेशन लातूर बताया जाता है, तो आप ज़रूर सावधान हो जाइए, आपको सावधान होने की आवश्यकता है और आप डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट मत दिखाइए, उनको ना कर दे। तो दोस्तों नंबर वन पे जिसने जगह बनाया है और मोस्ट ऑफ द केसेस पकड़ लीजिए, अगर 10 मेल या फिर 10 मैसेजेस आए उसमें से 7 से 8 मैसेजेस उन्हीं जॉब लोकेशंस के कंप्लेंट्स को लेकर आए, उस जगह का नाम है सूरत। सूरत गुजरात में स्थित है, जैसा मैंने कहा कि गुजरात के किस्से हैं, तो गुजरात स्टेट जो है हमारे इंडिया में, वहाँ से मैक्सिमम 90% से ऊपर 90 से 95% केसेस गुजरात के ही आते हैं। और गुजरात के पकड़ लीजिए, जैसे मैंने पहले कहा अहमदाबाद, या तो मैक्सिमम केसेस में सूरत से आते हैं। तो सूरत एक ऐसा जगह है जहाँ चेन बना हुआ है, मैक्सिमम चेन बना हुआ है, जैसे मैंने सेकंड वाले लातूर के बारे में बताया कि चेन सिस्टम में चलता है। और आप पकड़ लीजिए एक कंपनी जिससे आप जिसमें आप फंस गए हो, वही कंपनी पकड़ लीजिए 6 महीने बाद दूसरा नाम बना के फिर अपना जो जाल है वो बिछाता रहता है, इवन आपको भी फिर से इसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो सूरत जो है, याद रखिए नाम, जॉब पोस्ट अगर आपको दिखे फ्रॉड डेटा एंट्री का और वहाँ जो लोकेशन है आपको सूरत दिखे, फिर से कहता हूँ, और कंपनी से बात करते वक्त अगर आपको पता चले कि जॉब लोकेशन सूरत है तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, ना कर दीजिए, इंटरेस्ट मत दिखाइए। और अगर आपका कोई भी और कुछ भी आपको जानना है आगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड डेटा एंट्री के बारे में जानना है, तो आप मेरे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़ जाइए। मेरे फेसबुक पेज का नाम है किशोर के यूट्यूब वीडियोस, जैसे नीचे दिया हुआ है। साथ ही आप मुझे यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट वीडियो में कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो आपकी समस्या। मैं ज़्यादातर सबके मैसेजेस देखता हूँ और उनके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, तो आप ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं कुछ समस्या का समाधान बता पाऊँ। तो दोस्तों ये है वो टॉप 3 लोकेशन जहाँ ये फ्रॉड डेटा एंट्री कंपनीज बसते हैं। अब बात करूंगा वेरियस अदर प्लेसेस जहां से ऐसे केसेस आए हैं, मैं कुछ जगहों के नाम आज आपको बता रहा हूं। पहला है स्टेट राजस्थान, राजस्थान से ऐसे केसेस आए हैं। तो कोई भी अगर डेटा एंट्री जॉब एड आपको दिखे जिसका लोकेशन स्टेट राजस्थान दिखा रहा हो, आप सिटी के हिसाब से सर्च कर लीजिएगा, अगर राजस्थान आए तो आप बच के रहिएगा। गुड़गांव और नोएडा से भी केसेस आ रहे हैं, गुड़गांव नोएडा कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां से फ्रॉड डेटा एंट्री के कंपनीज के केसेस आ रहे हैं कैंडिडेट्स के। और तीसरा जो मैं कहूंगा और एक है, वो है कोलकाता। कोलकाता से भी बहुत सारे केसेस अभी आ रहे हैं, मैं खुद कोलकाता का हूं और कैंडिडेट्स जो आते हैं वो कोलकाता के वेरियस केसेस के बारे में बात करते हैं। तो कोलकाता से भी आपको अगर कोई जॉब पोस्ट दिखे डेटा एंट्री का, तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इंटरेस्ट मत दिखाइए, ना कर दीजिए। तो यही थे कुछ लोकेशन जिनके बारे में आज बात करना चाहता था आपसे और आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता था, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता था कि आपको पूरा जानकारी जो है, पूरी जानकारी आपको मिल जाए और आप सतर्क रहो, सावधान रहो। तो आज का वीडियो यहीं पे करूँगा एंड नेक्स्ट वीडियो आई होप CV पे ही बनाओ और CV कैसे अट्रैक्टिव CV बनाया जाए उसके बारे में ही बात करूँ। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।